रात भर बकाया है अभी तो झटका मत मारे। हेलो मां साहब, हेलो भाई, बड़े दिन में मिले भाई, बतरा लो पहले तो। हेलो आ
स्वामी श्री हरि मंच पे बैठे हुए सभी मंचासी जनता जाते हुए चरणों में सर रखते हुए ओम बी शर्मा की तरफ से चार लाने पर गौर देंगे और खास करके हमारे बड़े भाई मनोज शर्मा जी के अब मेरा गाना होता है शुरू सब शांत चित हो जाइए छोटे बड़ों से कोई शांति का आज दान हमको चाहिए क्योंकि पैसा हुआ है खेच जो यहाँ पैसा हुआ है और खर्च जोड़े और उन रथियों का लुप्त उठाइए कि यहाँ पैसा हुआ है खर्च जो तो इन रसियों का लुप्त तो उठाइए और मनोज भैया मैं तो यही कहूंगा कि ये जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है इन रसियों का बहुत बढ़िया और हमको और तुमको प्यार भी यहां इस जनता का विशेष मिल रहा है एक यही दंगल नहीं कई कई दंगल हो जाते हैं मुल्ला जी कई कई दंगल हो जाते हैं सैपो बस्ती के अंदर तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस उम्मीद को लेकर के ये जनता आई है उसी उम्मीद पर मैं भी और आप भी खड़े उतरने की कोशिश करेंगे और कहना है मेरा कि यहाँ पैसा हुआ है खर्च जो और इन रसियों का लोभ तो उठाइए जीवन भर तक याद रखे आज यहाँ ऐसे रसिया हेलो हेलो पर परम आदरणीय जनता जनार्दन दूर दराज से पधारे हुए तमाम रसिया प्रेमी रसिया दंगल को आयोजित कराने वाली परम सम्माननीय परम आदर के योग परम वंदनीय कमेटी बाहर से पधारे हुए विभिन्न अखाड़ों के उस्ताद खलीफा गायक वादक बंधु और सामने विराजमान अखाड़ा खिच्चो आटे वाले बड़े भैया मनोज कुमार जी आप सभी के चरणों में गुरु ओमवीर शर्मा जी की ओर से बार बार राम राम बार बार प्रणाम बार बार आपका वंदन अभिनंदन है। दोस्तों रसियाबाजी का दौर शुरू हो चुका है जिसमें रसियाबाजी के दो अखाड़े एक तो बड़ा ही दिग्गज अखाड़ा स्वर्गीय गुरु श्री विजेंद्र शर्मा जी के सुपुत्र बड़े भाई मनोज कुमार शर्मा जी और इधर से
उस्ताद बीदा बाबूलाल जी के शिष्य छोटे छोटे बच्चे देखेंगे आप लोग रात भर में इन्होंने क्या गाया, इन्होंने क्या जवाब दिया और इन्होंने क्या गाया, उन्होंने क्या जवाब दिया। एक छंद गाया मुल्ला जी कमेटी के आदेशानुसार रामायण से, तो रामायण में जो लीगल जवाब है आप लोगों को भी पता है कि जब बाली में बाण भगवान ने मारा तो भगवान ने कौन सा जवाब दिया, ये बात बाली ने भी पूछी थी। और बहुत दिन पहले हमारा एक गीत भी बजा करता था, मैं नाथ बैरी सुग्रीव प्यारा ऐसा बताओ क्यों हो रहा है, और एक भाई को दिया सहारा एक पड़ा जख्मी रो रहा है, ये बाली ने पूछी थी। तो राम जी ने जो वास्तव में रामायण में जवाब दिया है तो बड़े भाई मनोज शर्मा जी को वही जवाब इधर से मिलेगा। एक इन्होंने टुकड़ा गाया जहार वीर बाबा का, बहुत बढ़िया, बड़ी हंसी तो मुझे तबा रही थी चाचा, कह रहे थे जहार वीर बाबा का नंबर दिल में सेव नहीं मिलता, फरेब नहीं मिलता, ईमानदारी से बताना जनता में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसके दिल और दिमाग के तार बाबा जहार वीर से न जुड़े। अरे जहार वीर बाबा का नंबर तो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कोई भी जाति हो सबके दिल और दिमाग में सेब है और सबके तार जहार वीर बाबा से जुड़े। एक बात कह रहे थे मुल्ला जी 33 करोड़ देवता, तो मनोज भैया वो 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के देवता। इस बात का भी फैसला यह होगा, बोलिए गुरु गोरखनाथ की। एक बात और कह रहे थे मनोज भैया, बाप के सामने बेटा हिला हिलाए के ले रहे हो मजा, पहली बात हिला हिलाए के ले रहे हो मजा, अरे मांगते बेटा, और फिर कह रहे हैं दूसरी बात में बैठे अब मुट्ठी सी मार के, यानी एक ही गीत में 3-3, 4-4 बार एक ही इशारा आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है मनोज भैया तुमने या मुट्ठी के अलावा जीवन में और कछु ना करो, या चीज को या मुट्ठी मारने को बढ़ो तुमने एक्सपीरियंस करो है। इसका भी जवाब होगा। एक बहरगाई चाचा राजनीति की के बैठे दिल्ली में, नेता दिल्ली में हाँ कर रहे जनता पे अत्याचार और हिजरा बैठे देख रहे, तो चाचा जी इस बैर का तो ऐसा जवाब होगा, ऐसा जवाब होगा कि मनोज भाई किसी के सामने गाना ओमवीर शर्मा के सामने नहीं गाओगे आज, चिंता मत करो देखेंगे नंबर गुरु ओमवीर शर्मा जी। हेलो मनोज भाई, आप तो अपने घर से लेकर के लाए हो जो कुछ भी गाया है प्रथम राउंड। मुल्ला जी गुरु श्याम जी हटिए बेटा, आप तो जो कुछ भी लेकर के लाए हो अपने घर से, लेकिन मुझे आपका जवाब देना है। मैंने जो कुछ भी लिखा है वो यही से हाथों की हाथ लिखा है, तो देखेंगे सभी लोग यही से जवाब देखेंगे। एक दोहा गाया छंद का, किस कारण से आपने छुपकर मारो बाण, बतला दो भगवान मुझे मेरे तड़प रहे हैं प्राण, तो देखेंगे यही और से भगवान राम क्या कह रहे। कमेटी से निवेदन करूंगा गुरु, 1:38 हो रही है मेरी घड़ी में और आप लोग हाँ 40 जो भी है आप लोग लगाएंगे, चाहूंगा कि 45 मिनट के अंदर नंबर खत्म हो जाए। हाँ जी देखेंगे यही से। रामायण में आप लोग रामलीला बहुत कराते और देखते भी हैं। राधे श्याम रामायण के अंदर एक चौपाई आई है, कन्या भगनी सुत की बहू या छोटे भाई की नारी, भगवान राम कह रहे हैं इस बात, कन्या भगनी सुत की बहू या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वो बध के योग्य दुरा, तो देखेंगे मेरे छंद का जवाब। अरे कोई छोटे भाई की और नारी तने
अब देखे छंद का जवाब यहां से और काफिया भी लिखते रहे गुरु मुल्ला जी, क्योंकि फैसला तुम्हीं को करना है। अरे ना हो ना कल्याण पाप बहुत ही भारो, किया पाप बहुत ही भारो, निज कर मन से तो कुहारो रे तेरे पापन को अब सारो की न अखीरे भलो। पापन को अब सारो कीना अखीर भला भला चीर चला सीना चीर चला। अब देखें जवाब इधर से। अरे खोटो काम काम काम, खोटो काम काम काम, नाए सरे में को पानी, काम काम काम। कालगड़ा पूरा भी नहीं गा करके गए हैं? देख अब ना आखन में शर्म को पानी निक, अरे ना आखन में शर्म को पानी निकलो ना खानदानी, ना आखन में शर्म को पानी ना निकलो खानदानी, ना आखन में शर्म को पानी निकलो भाई। तीनों लोगों का विजेता होते हुए भी और तूने ऐसा काम किया, घिनौना काम अपने ही खानदान में, इसीलिए ना आखिन में शर्म को पानी निकलो ना खानदानी, सात पोस्ट की सवरी डुबाई दई, सात पोस्ट की सवरी डुबाई दई, अरे जो करी मन माने। अब ये रखिया धर्म पैर तन दियो, रख धर्म तूने दिया और तूने जरा गौर नहीं किया, अरे भैया से नफरत का लिया पीना नीरे भो, भैया से नफरत का लिया पीना
मुल्ला जी एक एक लाइन को देखते जाए। नेक आजा मोपे नहीं, इसमें नेक कहानी ज्यादा बन गई, उसकी औकात में औकात है क्या? देखेंगे सभी लोग छंद के माध्यम से। और देख माँ जाए संग और घात करे, और उससे बड़ी कोई घात है क्या? और उससे बड़ी कोई घात है क्या? काफी बंदी से गुरु रावत जी, अरे उससे बड़ी कोई घात है क्या? अरे खास भैया संग घात करे जो, और उससे बड़ी कोई घात है क्या? और कन्या भगिनी और सुत की बहु छेड़े, ऐसों की जात जैसे पापी का मैंने तुझ जैसे पापी का रे मैंने तुझ जैसे पापी का छीना थी। ऐसा घिनौना काम करके भी और घर में बड़ा धीर धार करके तू बैठा हुआ है, इसीलिए लिख दिया ओम वीर शर्मा ने, अरे धीर भला साहब, ये छंद का इनका ट्रीटमेंट किया, तुझ जैसे पापी का छीना धीर भला, साहब लगाएंगे क्या मिलिए ऐसे लोगों से। सपने में आए गुरुदेव मुल्ला जी, अरे रात श्याम सपने में आए, क्या दही है पी गयो सर, अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिदरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। इधर से गा रहे थे चाचा, यूं तो 33 कोट देवता बड़े बड़े रणधीर हुए, जब 33 कोट कही तब तक तो बात ठीक है, और भाई साहब ने फिर उसकी हिंदी कर दी कि 33 करोड़ देवता, तो मेरा कहना है 33 करोड़ नहीं, वो 33 प्रकार के ही देवता हैं। अब कहना है चाचा हमारी तरफ से क्या कहना है बाबा के चरणों में, और देखो बाबा के जितने भी भक्त हैं सब आनंद तालियां बजा बजा करके ले। हाँ जी कहना है, अरे बाबा इतने बलवीर हुए, अरे बाबा इतने बलवीर हुए, और पीकर बाछल का छीर हुए, अरे बाबा इतने
पीर हुए पीकर बाछल का छीर हुए। लेखक महोदय इनके रणधीर और वीर, लेकिन हम क्या कह रहे हैं भैया, तालियां मजा मजा के आनंद लो भाई। अरे बाबा इतने पलो पीर भाई और पी कर बाछल का छीर हुए, और पी कर बाछल का छीर हुए। और मुल्ला जी एक बात और है, और इस बात में भी दम मिलेगा, क्योंकि कोई भी बिरादरी हो, एक तो चांद और सूरज, एक बाबा जाहरवीर, ये ऐसे देवताएं कि जिनको हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों ही बिरादरियां पूजती हैं। और इसमें भी एक अंतर है, वो कौन सा है? और अगर आप लोगों को बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। अरे बाबा इतने पल वीर हुए और पीकर बाछल का छीर हुए, चाहूंगा प्यार पीकर बाछल का छीर हुए, और हिंदू को वो जाहरवीर और मुस्लिम को वो पीर हुए, हिंदू को वो जाहरवीर और मुस्लिम को वो पीर हुए। हिंदुओं में मनाते बाबा जाहरवीर को, और मुस्लिम समाज में हमारे चाचा बैठे हुए, इनको आप लोग पूछ लो, मुस्लिम समाज में पीर बाबा के नाम से जो पूजते हैं वो जाहर पीर हैं। चाचा अगर मेरा जवाब आप लोगों को सही लगे तो तालियों का समर्थन चाहूंगा। हिंदुन को वो जहर वीर, मुस्लिमों को बाबा पीर हुए, हिंदू को वो जहर वीर, मुस्लिमों को बाबा पीर हुए। और मनोज भैया देखना मेरी एक एक लाइन को, नीर बहुत देखे सबने, अरे नीर बहुत देखे सबने, गंगा सा नीर नहीं कोई, गंगा सा नीर नहीं कोई, गंगा सा नीर नहीं कोई, अरे नीर बहुत देखे सबने, गंगा के अरे गंगा से जैसा नीर कोई, अरे छीर बहुत देखे सबने, अंजनी के जैसा न छीर कोई, और अरे छीर बहुत देखे और सुने, पर द्रोपद सा छीर नहीं कोई। बहुत देखे सबने, नीर बहुत देखे सबने, गंगा सा कोई नीर नहीं, एक एक लाइन पर गौर करें, छीर बहुत देखे सबने, अंजनी सा छीर नहीं कोई, और छीर बहुत देखे सबने, अंजनी के जैसा छीर नहीं, और तीसरी लाइन चीर बहुत देखे सबने, द्रौपदी के जैसा चीर नहीं, चीर नहीं, अरे द्रौपदी के जैसा चीर नहीं, पीर बहुत हुए जाहर पीर सा कोई जाहर पीर। देखा इस लाइन का अलग भाव कह रहा है, पीर बहुत देखे सबने, जाहर वीर सा जाहर वीर नहीं, यानी दुनिया के अंदर। हाँ बेटा, अरे बाबा के आगे दुश्मन के चेहरा पर जाए पीले हैं, बाबा के आगे जा दुश्मन के चेहरा पर जाए पीले। चाचा चेहरा तो पीले दुश्मन के परिंगे ही,
और या तो दर्शन कर ही रहे बाबा के, अगर हो सके तो एक बार कहां जाना चाहिए जात लगाने पर जाए। चेहरा पीले हैं शीश झुका ददरे बा जाए के, शीश झुका ददरे बा जाए के, जहां परे रेत के टीले हैं शीश झुका ददरे बा जाए के। और ये बात भी बिल्कुल वजनदार ही आवेगी चाचा। अरे घोड़ा सहित धरती में समाहित, ये घोड़ा सहित धरती में समाहित, और धरती का सीना चीर हुए। धरती में समाहित जब बाबा घोड़ा के समेत हुए, बिल्कुल धरती का सीना, और फिर आनंद लेंगे। अरे हिंदुन को वो जहार वीर, मुस्लिम को बाहर पीर हुए। हिंदुन को वो जहार वीर, मुस्लिम को जहार। और मां साहब पहला पहला नंबर है चाचा, इनके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लगाना दो लाइन में, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, क्यों तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी। कह रहे थे भारत की परछाइयो मेरे बहन और भाइयो, तुम रखना ये याद है क्या, अरे थोड़े से नशा के पीछे जिंदगी बर्बाद है, थोड़े से मजा के पीछे जिंदगी बर्बाद है। यही गा रहे थे भैया। अब कौन कौन चाहते हैं कि इस चीज का भी जवाब हो जाए, हाथ उठा के बताएंगे। चाचा मनोज भैया ने बहुत सुंदर समाज सुधारक गीत गाया है, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि नशा बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन सरकार भी पंजाब की या पटना की कहती है नशा हम बंद करेंगे, दिल्ली में वो बंद करेंगे, लेकिन सत्यता तो ये है इन लोगों को कमी तो शराब की नजर आ जाती है, लेकिन खूबियां शराब की नजर नहीं आती। अरे यार जुआ सत्य को भैया तुम नयो का गा रहे हैं जे हमारो ही तो। कोई बात नहीं बेटा, बड़े भैया से रात भर में सिस्टम से बेटा, क्यों, क्योंकि सरकार की जितनी भी कमाई होती है चाचा सभी विभागों से ज्यादा टैक्स देता है आबकारी विभाग। ये जो सरकार का विभाग है, यदि सरकार को अपनी सरकार घाटे में लानी हो, राजकोष घाटे में लाना हो, तो ये नशा बंद करे। और अब तो कह रहे हैं कि शराब मत पियो, कोरोना में यही आदमी ने भर भर के प्याली दो दो बेर पी के कोरोना ना है जाए। अरे चौथी सखियों कहे बलम मेरो, अरे चौथी सखियों कहे बलम मेरो, सट्टो रोज लगा तू है और दूरी दूरी के सितन पे दे लंबर लेके। अरे दावा भर के कह तू बहन जे लाजी ये मेरा गीत है। अरे दावा भर के कह तू बहन जे नंबर जे ही आवे दो लगा दो सवेरे ही दोनों कहो जे ही आवे दो। अरे दावा भर के कह तू बहन
बहन जे नंबर जे ही आवे को और एक कदाने थे मर जाए बेरी फिर पीछे बच हाजी और आग लग गई चाचा अब तुम कहो शराब पीते के हो भाई शराब मत पीवे एक कल्पना करना चाचा हालांकि मैं भी चाहता हूँ नशा हमारे देश में बंद हो जाए लेकिन सत्यता बता रहा हूँ आज के जमाने की अगर किसी शराब वाले से कहोगे तो बड़े भैया को क्या जवाब मिलेगा पता है कि मैं रोज पीता हूँ ताली बजा के समर्थन करियो कि मैं रोज पीता हूँ और अपने आप की पीता हूँ और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले क्या मैं तुम्हारे बाप की यही और सुनो सुन बेटा आज जा नशा बंद करवा रहे हैं नशे के पीछे जिंदगी बर्बाद है, है? जब खुद पे आंच आई नशा बंद कराने की तो सोच लिया हाँ साहब नशा बंद कराने की तो सोच लिए लेकिन जब खुद पे आंच आई तो पब्लिक में से जवाब भी आने लगा कि सुनो तुम क्या नशा बंद कराओगे सबसे ज्यादा तो साधु संत ही कर रहे वृंदावन में जाके देखो सवेरे 4 बजे तो चिलम और भांग चेत जावे अरे गुरु साधु तो भगवान के नाम का इतना बड़ा नशा करते हैं भगवान के नाम का अमृत पीते हैं वो आदमी और गुरुदेव ये शराब जो पीते हैं लोग मनोज भैया मिल गए एक दिन आतरस में नशा खोलती हो गुरुदेव अब भाई साहब पर गए लंबी बोतल मैंने कही भाई साहब यार तुम कहा ले जा रहे बोले लाला तो ना पतो जब बजेंद्र गुरु जिंदे के दद्दू के खांसी गए गई है बाप पापा के कहा खांसी की दवाई ले जा रहा हूं तो ये बड़ी चीजन में काम आवे और शराबी तो एक बात और कहते हैं चाचा बुरा मत मानना ये बात मेरी व्यक्तिगत नहीं है केवल वो लोग मस्ती में कहते हैं कि देसी में दुर्गा बसे देसी में दुर्गा बसे अरे यार मैया को नाम हो जे बेटा धार मैया पे आई की चढ़ाए तो ये गलत है अरे देसी में दुर्गा बसे और रम में बसते राम और अगर मेरी बात बढ़िया लगे तो फिर तालियां चाहूंगा रम में बसते राम और पिसुकी में विष्णु बसे कोई खर्रा में हनु अब कहना है सब में छिपी बुराइया सब में छिपी बुराइया सब में छिपी बुराइया सब में छिपी बुराइया कह रहे लोग सब में छिपी बुराइया मैं बाद में बोलूंगा पहले रंग यदि तुम ले रहे जवाब एक बात बताओ हाथ उठाई के भैया ते ज्यादा जवाबों में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब में छुपी बुराइया कह रहे लोग लुगाइया सब में छुपी बुराइया कह रहे लोग लुगाइया जो कह एक सफेद सफेद आवे चाचा वाऊ है भैया बड़ी गे भाभी जो कारे कारे कपड़ा नंबर ठीक है भैया तो पीवे वाय बिस्की है और भाभी पीवे एक सफेद सफेद सी आवे वाय भर भर पे हाँ तो कहना बेटा होठों पे लाली लगा करके कपड़ों पे मारे सेंट और कपड़ों पे मारे सेंट शाम होते ही पी मन लग जाए जे मैजिक मुंह में अब कहना सब में छिपी बुराइया कह रहे लोग लुगाइया सब कर रहे उन्माद है सब कर रहे उन्माद है और दोस्तों क्योंकि मैया की धार चढ़े तो या दारू की खांसी की दवाई में काम आवे तो के दारू और हमारे देश में जो सैनिक सेवा कर रहे हैं ठंडी बर्फ की पहाड़ियों में
उनके लिए भी ये दवाई के रूप में जरूरी है। बिल्कुल, तो मेरा तो केवल एक ही कहना है, अरे बर्बाद होएगा तो तमाम कर्म में उनते बर्बाद है जाएगा, शराब ते बर्बाद ना है। सब कर रहे उन्माद है, अरे सब कर रहे उन्माद है, और अपने अपने कर्मों में भैया, अपने अपने कर्मों में भैया हर कोई आ जाए है, अपने अपने और भैया देखो ये तो मनोज भैया के जवाब हैं, अगर आपका एक आदेश हो जाए तो एक प्रश्न भैया को भी पूछ लिया जाए। हाँ तो टाइम बताओ, हम सब लगाओ यो जिए मरेंगे यार दुनिया याद करी। अरे हम ऐसे करेंगे प्यार हो, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, और हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। मुकेश भाई ये मत सोचना कि व्यक्तिगत हमसे कही जा रही है, बात लेखों की, और जो भी बात होगी वो लेखों के आधार से हो। मन करन तो मेरी बात ना खास,
अरे जाकी अम्मा बन गई देखो खास लुगाई ये। बेटा मैंने अपनी ना कही, आनंद सुनो। अरे जाकी अम्मा बन गई देखो खास लुगाई ये। कीनो है जाने कोई ऐसा खोटो कर्म, और कीनो है जाने और कोई ऐसा खोटो कर्म, और दियो छोड़ो याने कोई अपनो मानव धर्म, दियो छोड़ जाने कोई अपनो मानव धर्म। याय और याय ऊके सब संसार है, याय ऊके सब संसार, अरे जाय ऊके सब संसार, और याय ऊके सब संसार ये बन्यो हरम्मा है। मोते खेलो ए चौपर सार हारे ओ मां साहब, अब पैर दिखाओ। जो ये गा रहे थे राजनीति, और देखेंगे जवाब इधर से। मजदूर, ये सभी किसान और मजदूर विराजमान है। तो चाचा
आज देखते हुए इस सरकार को देखते हुए जनता की ओर से कहना है, हमें आज एक नेता की याद आ रही है, और अगर आज ये बात आपको अच्छी लगे तो केवल तालियों का पैर चाहूंगा। वो कौन सा सुना जवाब मनोज भैया कि किसान और मजदूरों का, किसान और मजदूरों का वो धीरज खोने नहीं देते, और अगर मेरी बात में दम दिखे कि तुम्हारे किसान का बेटा तुम्हारा भाई इस बात को सत्य कह रहा है तो केवल तालियों का प्यार चाहूं कि किसान और मजदूरों का वो धीरज खोने नहीं देते, और चौधरी चरण सिंह कर होते तो ऐसा होने। आज बड़ा रोना आ रहा है चाचा, वास्तव में वो महापुरुष थे, उन्होंने नाम कमाया, किसानों के लिए ट्रैक्टर का टैक्स फ्री किया, न जाने कितने कितने उन लोगों ने पुण्य कर्म किए। जवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चाचा ये 101 रुपए का पुरस्कार में ताऊ जी देते, मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगा, और ताऊ जी का कहना है कि एक बार और कहना है, किसान और मजदूरों का ये धीरज खोने नहीं देते, और चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो ऐसा होने नहीं दे। और ये चाचा जी की ओर से भी 101 रुपए का पुरस्कार आया है, तो कहना है बड़े भैया तो कह रहे थे कि नेता बोली जनता पे कर रहे अत्याचार, हिजरा बैठे देख रहे, तो चाचा ये जनता है, जब एक चाय वाले को ये प्रधानमंत्री बना सकती है तो न जाने क्या क्या काम कर सकती है। बिल्कुल, तो कहना है अरे जिन्होंने बैठा रे हम्मा, जिन्होंने बैठा रे मेरे भैया, ये जिन्होंने बैठा रे अरे जिन्होंने, अरे जिन्होंने बैठा रे अब वो ही देंगे उतार, जिन्होंने बैठा रे अब वो ही देंगे उधार। और ये 101 रुपए का पुरस्कार मेरे ताऊ जी देते हैं जवाब पर खुश होकर के, ये जनता है चाचा, राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है, जनता का मूड बदलने में देर नहीं लगती है। अरे जिन्होंने बैठा रे वो देंगे नीचे उतार, क्यों उतारेंगे, नए गाड़ धर्म की मेख रहे। और जवाब अब होगा, और आप लोगों को चाहूंगा पूरे पंडाल में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए कि जिसकी तालियां जवाब पर ना बचे। कह रहा है किसान, अरे किसान और गरीबन की इन्हें भर दई देखो छाती, किसान और गरीब की इन्हें भर दई देखो छाती। और ये तालियां मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये तालियां भारत के भाग्य विधाता किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के लिए मांग रहा हूं अब की बार तालियां। किसान और मजदूर ये सब रे है गए जिन से आती, अरे है गए इन से आती, और लखनऊ की, अरे लखनऊ की गद्दी पे बैठे चरण सिंह को नाती, चरण सिंह सिंह को नाती क्यों बैठेगा, क्यों, अरे बेटी, अरे बेटी रडुआ की कहा जाने कुनबा की सारा, क्योंकि इनके तो भैया बेटा बहू कछु परिवार कछु है ना, ऐसे ही तो यूपी में बैठा दिया और ऐसे ही दिल्ली में बैठा दिया। और सुन बेटा एक नेक मऊ मनोरंजन की बात कहूंगा और बात बढ़िया भी होगी, बिगड़ी का कोई सगा हुआ ना, बिगड़ी का जब सगा हुआ ना तो वो बनता का क्या हो
और मुहावरा टाइप में दे रहा हूं, अगर आपको बात पसंद आए तो। अरे पंता का क्या होगा, क्योंकि जनता को जब तक रस नहीं आए रसियों में तो रसिया बेकार। अरे बिगड़ी का कोई सगा हुआ ना, पंता का क्या होगा। और दे जो खास लुगाई का सगा हुआ ना, वो जनता का क्या। से बताना भैया, मनोज भैया का जवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाचा एक बात और मुझे ध्यान आ रही है, अरे इनके सबरे करम या जनता है तेरे खूब दिखाई, इनके करम सब जनता को तेरे देखो दिखाई। और अगर बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो फिर तालियां चाहूंगा। इनके सबरे करम या जनता है तेरे खूब दिखाई, अरे भोरे भारे निर्दोष किसानन पे अरे तेरे खूब दिखाई, अरे भोरे भारे किसानन पे इन्हें लखीमपुर में कार चढ़ाई। नए गाड़ धर्म की रहे।